हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिहिर सेन की जीवनी के बारे में। मिहिर सेन जो थे एक बहुत बड़े तैराक थे और वो भारतीय थे, और उनकी पूरी जीवनी भारत को, भारत के तैराक को हर समय प्रेरित करती है। दोनों की जीवनी को देखेंगे, बट डिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है रोज आपके लिए नया करने के लिए। देखते हैं मिहिर सेन की जीवनी को। मिहिर सेन जो थे उनका जन्म 16 नवंबर 1930 को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुआ था, और उनके पिता का नाम डॉक्टर रमेश सेन गुप्ता था, उनकी माता का नाम लीलावती था, और उनके पिताजी एक बहुत बड़े डॉक्टर थे और नामी गामी डॉक्टर थे कोलकाता के, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, मिहिर सेन कलकत्ता हाई कोर्ट में बैरिस्टर थे, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड बनाने वाले तैराक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े थे और वो एक तैराक हुआ करते थे। मिहिर सेन अपनी वकालत की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड गए थे, और वहां पर उनको इंग्लिश चैनल पार करने की बहुत ज्यादा इच्छा आई, और उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि लास्टली उन्होंने ये काम किया। 27 नवंबर 1958 को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने में सफल हो गए थे। इससे पहले उन्हें बहुत सारी असफलता मिली थी, और इस प्रकार वो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं बल्कि प्रथम एशियाई भी थे। पूरे एशिया में पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया था। और देखते हैं हम लोग, उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करने में 14 घंटे और 45 मिनट का समय लिया था। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है जो कि पूछ लिए जाएंगे आपसे। इसके बाद उन्होंने यह तैराकी डोवर से जो है वो क्लाइस तक के लिए की थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मिहिर सेन का अगला जो साहसी कदम था वो श्रीलंका के क्लाई मन्नार से भारत के धनुषकोटि तक की तैराकी थी, जिसको उन्होंने 6 अप्रैल 1966 को आरंभ किया था, और पूरे 25 घंटे 44 मिनट के तैराकी के बाद उन्होंने इसको पार किया था। इसके पश्चात मिहिर सेन ने 24 अगस्त 1966 को 8 घंटा 1 मिनट में जिब्राल्टर ड्राई डे डेनियल को पार किया था, जो कि स्पेन और मोरक्को को जोड़ता है। ये वीवीआई है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ये जो है वो डॉट ई डेनियल कहाँ पे स्थित है। इसके बाद देखेंगे जिब्राल्टर को तैरकर पार करने वाले मिहिर सेन जो है वो पहले भारतीय और एशियाई बने हुए थे। 12 सितंबर 1966 को उन्होंने जो है वो डॉर्डेनेल्स को तैरकर पार किया था, और डॉर्डेनेल्स को पार करने वाले भी वो प्रथम भारतीय थे। ठीक है, और देखते हैं हम लोग मिहिर सेन की साहसिक और बेजोड़ उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि 1959 में उन्हें जो है पद्मश्री का अवार्ड दिया जाए, और 1967 में उन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड देकर के उनको सम्मानित किया जाए, क्योंकि वो इस तरीके के कारनामे किए थे कि कहीं कहीं पे वो भारतीय और एशियाई प्रथम बनकर के आए हुए थे, तो इस कारण से उनको ये सारे अवार्ड दिया गया था। वह एक्सप्लोरर्स क्लब ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष थे। लास्ट में अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनकी याददाश्त खत्म हो गई, जिसको एमनेसिया के नाम से आप लोग जानते हैं, और बहुत कष्ट का जीवन रहा था उनका लास्ट के समय में। और 11 जून 1997 को मिहिर सेन कलकत्ता में 67 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक ओवरव्यू था, और ये मिहिर सेन के जीवनी थी, जहां से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको एक महान व्यक्तित्व के बारे में जानने की जरूरत भी है अपने देश के लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव हो तो। और आज के सेशन में हम लोगों ने मिहिर सेन की जीवनी को देखा, फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ नए चीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।